अच्छा, दो छोटे छोटे आखिरी सवाल हैं। हाँ एक ये जी कि नमाज में ज्वेलरी पहनना औरतों के लिए जाहिर है के हवाले से बात हो रही है, वो ज्वेलरी पहन के नमाज पढ़ सकती हैं, हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकती, कोई मान्यता नहीं और है, गैर बल्कि सोना। साबित है, सही मुस्लिम में हदीस है कि ईद के मौके के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने चंदे की अपील की। अच्छा, और ईद का खुतबा कब होता है? नमाज के तो बाद औरतों ने अपने कानों की बालियां भी उतार के दे दी। ये इमाम मुनीफा ने नहीं मसला बताया, मैंने बताया है सही मुस्लिम से। तो नमाज उन्होंने बालियों की हालत में पढ़ी हुई थी, जेब में डाल के नहीं आई थी वो। ये इसका ना ज़रा आप अलग से बना दीजिएगा, क्योंकि हमारे ख़ानदान में ज़रा इसके ऊपर थोड़ी नहीं टसल नहीं हो गई आप है। खुद ही सही। बना के देते रहे, अच्छा, आपने और वो मसला निकाला है जो किसी का इख्तलाफ ही नहीं है। औरतें तो ये बन ठन के गई होती हैं जुम्मों में और ईद के अंदर, आज तक किसी ने नहीं औरत ने कहा सुर्खी का, तो किसी ने नहीं पूछा, तो ये जेवरात वाला किसने पूछना था, अच्छा, उम्मत को पता है। और नॉन सोना भी, मतलब नॉन गोल्ड भी पहन सकती हैं। औरत सब कुछ पहन सकती है, मर्द सिर्फ चांदी पहन सकता है, वो भी एक अंगूठी, बस ठीक। 4.5 माशे से कम, औरत जो मर्जी पहने।